और वाई पी होता है जो दूसरा हिस्सा है जिसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में समझ के आए हैं सो so, अब यहाँ पर सिंस वी हैव द मेमोरी ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम उस नॉलेज को उस मेमोरी को रिकॉल करेंगे और उसे डिवाइस करेंगे इन फॉर्मूले को राधा टू स्टार्ट द प्रोसेस फ्रॉम द बिगेनिंग सो यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन किया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की हमने स्टडी की हुई है और उसके अंदर आपको याद होगा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था और इस केस में आपने देखा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें बी इन्वॉल्व है सो so वहां पर जब दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते थे तो हमारे पास दो ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स होते थे ए वन ए टू यहां पर भी ए वन ए टू हम रखेंगे और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जगह सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रखेंगे तो so आपने देखा हमने उन्हें बी वन और बी टू से रिप्रेजेंट किया सो इंस्टेड ऑफ ओनली वन बी वी हैव बी वन एंड बी टू एंड देर आर टू ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं एंड दिस इज़ द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन जिसकी इनिशियल कंडीशनस भी हमें दी हुई हैं यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं इसको विद द स्टैंडर्ड फॉर्म और उससे हमारे पास ए वन ए टू और सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ पर आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कंसल्ट कर सकते हैं उन लेक्चर्स में इसी तरह का प्रोसेस है सो so इसके बाद वाई पी का फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिफरेंस इक्वेशंस के लिए यूज़ किया था वो हमने अप्लाई किया कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए ए वन और ए टू की वैल्यूज़ को जहन में रखते हुए तो ये है वाई पी लेकिन अब हम चलेंगे मेन मकसद की तरफ जो वाई सी है वाई सी में हम इनिशियली चेक करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स जो कि इस केस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिस्टिंट रियल रूट्स होंगे सो so अगेन ये टेस्ट जो है डिस्क्रिमिनेंट पे जो बेस करता है वो हमने मैनी टाइम्स हल किया है उसका नतीजा यहाँ पर ये है नाइन इज़ ग्रेटर दैन जीरो मीन्स दैट दर इज़ अ डिस्टिंग रियल रूट केस रूट्स को निकालना आपके लिए एक पुरानी बात है आई हैव बीन डूइंग दिस बिफोर इस सेट ऑफ़ स्टेप्स में यही काम किया हुआ है और इसमें दो रूट्स आ रहे हैं जब आप सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हल करते थे तो b1 और b2 नहीं बल्कि r1 और r2 आता था लेकिन यहाँ पर b1 और b2 है इन्हें हम सब्सटीट्यूट करेंगे कंप्लीमेंट्री फंक्शन में आप देख सकते हैं b1 और b2 की वैल्यूज ईजिल सब्सटीट्यूटेबल है और हमने सब्सटीट्यूट कर दी जिसकी वजह से हमारे पास वाई सी डिवेलप हो गया और अब हम इसे जमा कर देंगे वाई पी में तो हमारे पास बन जाएगा जनरल सोल्यूशन चूँकि हमें फर्स्ट इनिशियल कंडीशंस भी दी हुई हैं उन्हें यूज़ करके वी कैन फाइंड द डेफिनेट सोल्यूशन इसलिए हमने टी की जगह ज़ीरो लगा दिया और जब हमने ज़ीरो लगाया तो जहाँ जहाँ टी है वी कैन सी देर जीरो। वाई नॉट की वैल्यू हमें गिवन थी वो फोर थी जो राइट हैंड साइड पर सिम्प्लीफिकेशन है वो भी आप रिपीटडली कर चुके हैं सो so, आखिरकार आपके पास एक ऐसी इक्विजन आ गई जिसमें ए वन और ए टू है और अब हम दूसरी uh, इनिशियल uh, कंडीशन को इस्तेमाल करने जा रहे हैं ये हमारे पास वाई टी है इसमें हम uh, जो है इन वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे प्राइमरली uh, हम ये देख लेते हैं वी नीड टू सामल्टीनियस इक्वेशंस टू वेलविट दैम सो डिवेलप सेकेंड इक्वेजन पुटिंग दी नेक्स्ट वैल्यू ऑफ टी दैट इज़ टी इज़ इक्वल टू वन तो हमने क्या किया कि टी की जगह अब हमने वन लगाया और गिवन uh, है हमारे पास के दैट इज़ इक्वल टू फाइव जब हमने ये वैल्यू लगा दी इधर भी और जहाँ जहाँ टी की वैल्यू थी हमारे पास एक और इक्वेशन ए वन और ए टू की टर्म्स में बन गई और अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं एक लास्ट स्टेप में ये आपको नजर आ रही है और एक जो अभी हमने डिवाइस किया इन्हें साइमल्टेनियसली हल करना आपके लिए कोई नई बात नहीं है इसे जब आप हल करेंगे तो ए वन और ए टू की वैल्यूज आ जाएंगी जो आप सब्सटीट्यूट कर देंगे इन टू दी प्लेसिस वेयर दे फिट इन दी जनरल सोल्यूशन और आपके पास डेफिनेट सोल्यूशन बन जाएगा So, ये है वो डेफिनेट सोल्यूशन जो कि हमने बनाया इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन का जिसमें जो नेचर ऑफ रूट्स थी वो थी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स थैंक यू